झरोखा चैनल में आपका स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है और आज हम जाने माने लेखक असगर वजाहत साहब की लघु कथाएं वाला पाठ ले रहे हैं। हम इस बार उनकी जो पहली लघु कथा है शेर, उसका सारांश करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सारांश। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो आपका कक्षा 12वीं है उसके से संबंधित व्याकरण वाले हिस्से रस छंद अलंकार शब्द भेद काव्य भेद इत्यादि को भी जो है वो उस पर आधारित वीडियो हमने बनाए हैं। आप उन्हें हमारे चैनल पर खोज सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अब चलिए शुरू करते हैं सारांश। यह लघु कथा प्रतीकात्मक भी है और व्यंग्यात्मक भी। शेर को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो जनविरोधी है, इसलिए वह तरह तरह के लालचों के माध्यम से सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। यह जो शेर है वह बाहरी तौर पर एक न्यायवादी अहिंसक और भले चरित्र वाला दिखाई देता है, परंतु वह घाग है। अपने भलेपन का मुखौटा लगाकर अपने ही समाज को छल रहा है। ये इस कहानी का सार है। और अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? उत्तर है, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में इसलिए चली जा रही थी क्योंकि वह रोजगारहीन थी। उसे बताया गया था कि शेर के मुंह में रोजगार कार्यालय है जहां उसे नौकरी मिल सकती है, अतः वह नौकरी की अर्जी जमा कराने के लिए उसके मुंह में जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बनाया है? उत्तर है, कहानी में लेखक ने शेर को एक सत्ता का व्यवस्था का प्रतीक बनाया है। तीसरा प्रश्न है, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच में क्या अंतर है? उत्तर है, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच में यह अंतर है कि शेर के मुंह में गए हुए जानवर कभी लौट कर नहीं आते। रोजगार दफ्तर का काम लोगों को रोजगार देना है, वहां लोग नौकरी पाने की आशा में जाते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। कहानी के आधार पर इस पर टिप्पणी करिए। उत्तर है, विश्वास हो जाने पर प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कहानी में जानवरों को यह विश्वास दिला दिया गया है कि शेर के मुंह में जाने पर उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। बस इसी कारण से जानवर शेर के मुंह में जाने के लिए तैयार हैं, वे प्रमाणों की कोई परवाह नहीं करते। अब योग्यता विस्तार वाले जो प्रश्न हैं इसी लघु कथा पर आधारित वो करेंगे। पहला प्रश्न, इस शेर वाली कहानी में हमारी व्यवस्था पर जो व्यंग किया गया है उसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि इसमें जन विरोधी व्यवस्था एक ऐसे शेर की तरह होती है जो बाहरी तौर पर सदाचारी और परोपकारी दिखाई देती है, परंतु असल में वह दुष्ट और जनता की शत्रु ही होती है। अब प्रश्न दूसरा, यदि आपके भी सिंह निकल आते तो आप क्या करते? उत्तर है, यदि मेरे सिंह निकल आते तो मैं उनसे किसी को सताता नहीं, हां अपनी सुरक्षा में उनका प्रयोग जरूर करूंगा। तो यह था असगर वजाहत की लघु कथा शेर का सारांश और उस पर आधारित प्रश्नोत्तरों वाला वजाहत साहब की लघु कथाओं पर आधारित एपिसोड। इस बार ले रहे हैं उनकी कहानी पहचान। तो सबसे पहले पहचान का सारांश। इस लघु कथा में ऐसा राजा है जो अपनी प्रजा को अंधा बहरा और गूंगा बनाकर प्रगति का रास्ता बनाता है, पर जब आखिर में कुछ लोग अपनी आंखें मुंह और कान खोलकर देखते हैं तो पाते हैं कि देश के लोगों और देश की तरक्की की बजाय सिर्फ राजा की ही तरक्की हुई है। यहां भी आंखें मुंह और कान
खोलना जागरूकता का प्रतीक है। जनता को सदैव सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला, राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें? उत्तर है, राजा ने ऐसा हुक्म इसलिए दिया ताकि लोग राजा के क्रियाकलापों को, शोषण को, दोहन को न देख सकें। इस तरह वह जनता से श्रम करवाकर अपना ही हित करने का कुचक्र रचता है। दूसरा प्रश्न, आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम निकले? उत्तर है, आंखें बंद करने का यह परिणाम हुआ कि लोगों के श्रम का राजा ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए शोषण किया, और आंखें खोलकर देखने का यह परिणाम निकला कि उन्हें सच्चाई का पता चल गया कि राजा उन्हें देश के नाम पर बेवकूफ बना रहा था और केवल अपना ही फायदा कर रहा था। तीसरा प्रश्न, राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले, उनकी सूची बनाइए। उत्तर है, और उनके निहितार्थ भी लिखिए। उत्तर है, राजा ने जो हुक्म निकाले वे इस प्रकार हैं। पहला, प्रजा अपनी आंखें बंद कर ले। निहितार्थ, लोग राजा के क्रियाकलापों और शोषण को न देख पाए। दूसरा, प्रजा अपने कानों में पिघला हुआ सीसा डलवा ले। निहितार्थ इसका है, लोग राजा के स्वार्थों के बारे में न सुने। तीसरा, प्रजा अपने मुंह को सिलवा ले। निहितार्थ है, लोगों की आलोचना शक्ति समाप्त हो जाए। प्रश्न चौथा, जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जनता राजा की स्थिति की ओर से अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। राजा मनमानी करेगा और कोई जानेगा तक नहीं। देश और जनता का इससे नुकसान होगा। प्रश्न पांचवा, रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया? उत्तर है कि उन्हें राजा इसलिए दिखाई दिया क्योंकि जनता अंधे, गूंगे और बहरे हो जाने पर सिर्फ राजा की ही प्रगति हुई। वही चारों ओर चमक दमक रहा था, जनता और देश का अता पता नहीं था। राजा ही संपूर्ण सत्ता और निजी हितों का प्रतीक बन चुका था। और अब योग्यता विस्तार वाले प्रश्न। पहला, गांधी जी के तीनों बंदर आंख, कान, मुंह बंद करते थे, किंतु उनका उद्देश्य अलग था कि वे बुरा न देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे। यहां राजा ने अपने लाभ के लिए या राज्य की प्रगति के लिए ऐसा किया, दोनों की तुलना कीजिए। तो उत्तर है, गांधी जी के तीनों बंदरों का उद्देश्य ही पवित्र था। वे दूसरों की बुराइयां न देखने के लिए आंखें बंद किए रहते थे, बुराइयां न सुनने के लिए कान बंद रखते थे, और बुरा न बोलने के लिए मुंह बंद रखते थे। इसका उद्देश्य समाज में सकारात्मकता लाना है। लेकिन राजा द्वारा प्रजा की आंखें, कान और मुंह बंद करवाना अपने निजी हित के लिए है, यह शोषण और मनमानेपन के लिए है, इससे समाज का नुकसान ही होता है। तो यह था असगर वजाहत जी की दूसरी लघु कथा पहचान का सारांश और प्रश्नोत्तर, और वजाहत साहब की तीसरी लघु कथा चार हाथ। तो सबसे पहले उसका सारांश। यह लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मिल मालिकों की क्या मनोदशा होती है उसका पर्दाफाश करती है। वे मजदूरों से ज्यादा काम लेना चाहते हैं और उन्हें मजदूरी कम से कम देना चाहते हैं। इस तरह वे मजदूरों का शोषण करके अपना मुनाफा कई गुना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और अब चार हाथ लघु कथा के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला? उत्तर है कि मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मिल मालिक ने जो कुछ किया और जो परिणाम निकला वो इस प्रकार है। पहला, मिल मालिक ने कई विख्यात वैज्ञानिकों को
कई वर्षों तक मोटी तनख्वाह पर रखा कि वे ऐसा कोई तरीका निकालें जिससे आदमी के चार हाथ हो जाएं। परिणाम क्या हुआ? असफलता मिली। दूसरा, उसने मृत व्यक्तियों के हाथ मंगवा कर मजदूरों को लगवा दिए। इसका परिणाम क्या हुआ? असफलता। तीसरा, उसने लकड़ी के हाथ बनवाकर मजदूरों को लगवाए, यह भी असफल रहा। और चौथा, उसने लोहे के हाथ बनवाकर मजदूरों में फिट करवा दिए, इससे मजदूरों की मृत्यु हो गई। प्रश्न दूसरा, चार हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई? उत्तर, जब चार हाथ नहीं लग पाए तो मिल मालिक की समझ में यह बात आई कि मजदूरों का दोगुना फायदा उठाना चाहता है, इसके लिए उसे उनकी मजदूरी आधी कर देनी चाहिए। अब योग्यता विस्तार वाला प्रश्न करेंगे और वो एक ही है कि यदि आप मिल मालिक होते तो उत्पादन को दोगुना करने के लिए क्या करते? उत्तर है, यदि मैं मिल मालिक होता तो उत्पादन को दोगुना करने के लिए अपने मजदूरों भाइयों से कहता कि वे दोगुना उत्पादन कर देंगे तो उन्हें मजदूरी के अलावा जो अतिरिक्त उत्पादन है उसका आधा हिस्सा, आधा मुनाफा मिलेगा। तो यह था असगर वजाह जी की लघु कथा चार हाथ का सारांश और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर। झरोखा चैनल में हम इस बार ले रहे हैं असगर वजाह साहब की चौथी लघु कथा साझा। पहले उसका सारांश करेंगे। यह लघु कथा कॉरपोरेट्स की नीयत का पर्दाफाश करती है, जो किसानों की जमीनों को और फसलों को हड़पने के लिए नित नए नए तरीके निकालते रहते हैं और इससे अंततः किसान का ही सारा नुकसान होता है, वही बर्बाद होता है। और अब इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया? साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को यह बताया कि अगर तुम मेरे साथ खेती करोगे तो फिर जंगल का कोई भी जानवर जो है वो तुम्हारे खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और मैं तुम्हारे खेतों की रखवाली करूंगा। प्रश्न दूसरा है, हाथी ने खेती की रखवाली के लिए क्या घोषणा की? उत्तर है, हाथी ने खेतों की रखवाली के लिए यह घोषणा की कि जंगल का कोई भी जानवर उसके खेतों को नुकसान ना पहुंचाए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। प्रश्न तीसरा है, आधी आधी फसल हाथी ने किस प्रकार बांटी? उत्तर है कि जब किसान और हाथी के बीच में साझे की खेती तैयार हो गई, जो कि उन्होंने गन्ना लगाया था, और जब किसान गन्ना काटने के लिए आया तो उसने कहा, देखो भाई ऐसे नहीं, ये साझे की खेती है, बराबरी का मामला है, हम लोग एक साथ जो है वो गन्ना खाएंगे, तो एक गन्ना जो है एक छोर तुम मुंह में रखो, एक छोर मैं मुंह में रखूंगा, तुम उधर से खाओ मैं इधर से खाऊंगा। और जब दोनों ने ऐसा ही किया तो हाथी का मुंह तो बहुत बड़ा होता है, उसने पूरा गन्ना ही खत्म कर दिया, आदमी को कुछ भी नहीं मिला। तो ये थे इस लघु कथा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। अगली बार हम असगर वजाहत साहब का जीवन परिचय करेंगे। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।